मैं बस आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैंटर होता था, ऑन फील्ड बैंटर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात करी ऑफ फील्ड आप लोग कितने अच्छे दोस्त थे और आज के प्लेयर भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया में भी अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन फील्ड बैंटर होता था, वो जो एक लम्हे होते थे जो इस राइवलरी को सबसे बड़ा राइवलरी बनाता था, आज क्या आपको लग रहा है कि वो मिसिंग है? क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के शायद अब पाकिस्तान के प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे को स्लेच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो है अब वो बहुत ज़्यादा हो चुका है फैंस की तरफ से भी? देखिए, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है, बड़े पॉजिटिव तरीके से हुई है। हमें इसमें मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया वो पास्ट है। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, वो क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, एज अ एथलीट, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप जितने स्ट्रॉन्ग हों उतने अच्छे हों। जैसे मैं बात करता हूँ कि इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज़ होती है वो सबसे बड़ी बताई जाती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, एक हमारी रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इंडिया हम आएंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, हमारी इकॉनमी भी अच्छी होगी और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं पॉलिटिकली, वो भी हमें सबको नज़र आएगी। तो मैं हमेशा इस चीज़ में हूँ, मैं यहाँ पे स्टे पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। क्रिकेट के अंदर चाहे कोई भी टीम हो, ऊंच नीच जो आप स्लेजिंग वगैरह कह रहे हैं, ये किसी भी टीम के साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑफ द फील्ड जो रिलेशनशिप है वो बेहतर से बेहतर रहनी चाहिए।